जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब देखिए, जब कॉपुलेशन होता है तो सीमेन रिलीज होता है पेनिस के थ्रू वेजाइना में, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन ज़्यादातर जो स्पर्म है ना, स्पर्म क्या होते हैं, मोटाइल बॉडी होते हैं, यानी कि मूवमेंट होता है उसमें, और तेज़ी से वो स्विम करके क्या करते हैं, सर्विक्स के थ्रू वो यूटेरस के अंदर इंट्री करते हैं, और फाइनली जो जगह पे वो पहुँचते हैं स्थमस, है ना, रीच टू द जंक्शन विच इज़ द स्थमस एंड एम्पुला। एम्पुला और स्थमस का जंक्शन होता है जिसको हम एम्पुलरी स्थेमिक जंक्शन कहते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा होता है। अब ओवम जो रिलीज होता है ओवरी से, वो भी ट्रांसपोर्ट होकर के वहीं एम्पुलरी स्थेमिक जंक्शन पर आता है, और जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन कैन अकर इन इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। मतलब ये जो लोकेशन है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, यहाँ जब स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ जब मिलते हैं एक समय में, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। इसीलिए द कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी नॉट ऑल टाइम, है ना। दिस इज द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसलिए कभी भी आप कॉपुलेशन करते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन हो और प्रेगनेंसी सस्टेन करे ये जरूरी नहीं है। इसके लिए दोनों का एक समय पर वहाँ होना उपस्थित है, दोनों मतलब स्पर्म एंड ओवम। प्रोसेस क्या होता है फर्टिलाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम, है ना, क्या होता है कि एक स्पर्म अंदर आया, कांटेक्ट किया, कांटेक्ट विथ जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम, और वो इंड्यूस्ड हो जाता है और मेम्ब्रेन के अंदर वो चला जाता है स्पर्म, यानी कि उसकी एंट्री ओवम के अंदर हो जाती है। जैसे ही इसकी एंट्री अंदर होती है ना, अब वो क्या होता है, जोना पेलुसिडा की जो लेयर है वो बंद हो जाती है, और ये इंश्योर हो जाता है कि केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, एक ओवम से ये इंश्योर हो जाता है। अब सिक्रेशन जो होता है एक्रोसोम का, जो स्पर्म को इंटर करने में मदद करता है ना, जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इंड्यूस द कॉम्प्लीशन ऑफ मायोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, है ना। अब देखिए, सेकेंड मायोटिक डिवीजन जो होता है वो अनइक्वल होता है और रिजल्ट करता है सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन, है ना, और एक हैप्लॉइड ओम यानी कि ओटिड। ठीक हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म जायगोट। ये प्रोसेस जो हो रही है, ठीक है ना, ये होती है सीधे। अब वन हैज़ द रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इट्सेल्फ। इसी स्टेज में क्या हो जाता है कि सेक्स जो है मेल बॉडी होगा कि फीमेल बॉडी होगा, ये इसी स्टेज में डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि द हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल दैट इज़ द ओवम एंड सेक्स क्रोमोसोम दैट इज़ द एक्स, वेयर एज मेल गैमेट विच रिलीज दैट इज़ द स्पर्म एंड सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर एक्स आर वाई, ठीक है ना। 50-50% का रेशियो रहता है, स्पर्म कैरी द एक्स क्रोमोसोम वाइल अदर स्पर्म कैरी द वाई क्रोमोसोम,
है ना, ये 50-50% रहता है। फ्यूज़न के बाद है ना, फ्यूज़न के बाद मेल और फीमेल गैमेट जायगोट है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट द जायगोट वुड कैरी आइदर एक्स एक्स आर एक्स वाई डिपेंडिंग ऑन द वेदर द स्पर्म कैरिंग एक्स एंड वाई आर फर्टिलाइज्ड एंड फॉर्म ओवम। जायगोट कैरिंग एक्स एक्स वुड डेवलप इंटू अ फीमेल बेबी एंड एक्स वाई वुड बी फॉर्म मेल बेबी। जैसा कि पहले बताया कि जब एक्स एक्स है तो वो फीमेल बॉडी बनेगा और जब एक्स वाई है तो वो मेल बॉडी बनेगा, ठीक है ना। अब ये होने के बाद ठीक है, मायोटिक डिवीज़न स्टार्ट होता है, ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न। ये फ्यूज़न होने के बाद जब जायगोट बनता है तो क्या होता है कि उसके बाद फिर माइटोटिक डिवीज़न जो है स्टार्ट होता है और जायगोट मूव करता है स्थिमस जंक्शन जो था वहाँ से ओविडक्ट है ना, थ्रू स्थिमस ऑफ द ओविडक्ट। अब वो जो जंक्शन था है ना, वो जंक्शन से स्थिमस की ओर, ओविडक्ट के स्थिमस की ओर बढ़ना शुरू करता है और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड्स द यूटेरस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्लीवेज एंड दे मूव टुवर्ड्स द यूटेरस। अब यूटेरस की तरफ जब बढ़ने लगता है जायगोट तो बीच में आपके क्या होते हैं, दे फॉर्म 2, 4, 8 and 16 डॉटर सेल है ना इनसाइड द जायगोट है ना, एंड द जायगोट इज कन्वर्टेड इन ब्लास्टोमेयर है ना, ब्लास्टोमेयर बनता है। अब देखिए एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड मोरूला है ना, एम्ब्रियो विथ 8 to 16 इज कॉल्ड ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड मोरूला है ना। अब देखिए मोरूला जो है ये कंटिन्यू करता है डिवीज़न और ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में है ना, और ये क्या हो जाता है यूटेरस की तरफ मूव करके यूटेरस में आ जाता है। अब ब्लास्टोमेयर इन ब्लास्टोसिस्ट्स आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट है ना, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर में ये अरेंज हो जाता है। एंड इनर लेयर जो होती है ना, इनर ग्रुप ऑफ द सेल जो ट्रोफोब्लास्ट विच इज अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट इट इज कॉल्ड इनर सेल है ना, इनर सेल मास, ठीक है ना। अब देखिए द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है और इनर मास सेल जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है एज अ एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो से एम्ब्रियो में विट गेट डिफरेंशिएटेड एज अ एम्ब्रियो, ठीक है। अब देखिए आफ्टर द अटैचमेंट यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसाइट्स। जैसे ही अटैचमेंट होता है ना एंडोमेट्रियम से है ना, उसके बाद क्या होता है कि यूटेराइन सेल डिवाइड होती है तेज़ी से और रैपिडली क्या होता है कि ब्लास्टोसाइट्स को कवर कर लेती है, जिसका नतीजा क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है एम्बेडेड हो जाती है ना, एम्बेडेड बिकम एम्बेडेड कहाँ, एंडोमेट्रियम, यूटेरस के एंडोमेट्रियम में वो एम्बेडेड हो जाती है, ठीक है ना। अब एम्बेडेशन यानी कि ये ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में यानी यूटेरस के एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होना ही है ना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। और इम्प्लांटेशन जब हो गया तो हम क्या कहते हैं कि नाउ द फीमेल बॉडी लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे
जो फीमेल बॉडी है वो कैसे प्रेगनेंसी होती है, कैसे इम्प्लांटेशन होता है और कैसे जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें मैं पढ़ा आपने। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम जो दिख रहा है कि कैसे ये आपका स्ट्रक्चर जो दिखा जा रहा है डायग्राम में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब, है ना, इसको कैसे यहाँ पर दिखाया गया है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे स्पर्म गया है, उसके साथ फ्यूज़ हुआ, फिर जायगोट बना, कि एक ओवम है, फिर स्पर्म आया, फिर स्पर्म फ्यूज़ हुआ, फिर जायगोट बना, फिर जायगोट बनने के बाद फिर 4 सेल 8 सेल, यानी कि फिर इसका फिर क्या हुआ, 8 to 16 सेल जैसे मोलुला बना, फिर मोलुला कैसे जो है ट्रांसप्लांट हो जाता है आकर के यूटेरस में, है ना, यूटेरस के अंदर कैसे ट्रांसप्लांट हो जाता है, यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिली हैं। और दिस इज़ योर ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, है ना, दिस इज योर ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, एंड फर्दर इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।